सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील नो, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तब्दीली, जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर रुकन होंगे। 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे, ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के तीन सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। पीटीआई के गिरफ्तार 82 मुलजिमान की बरामदगी का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ने मुलजिमान बरामदगी के लिए बेल्स मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने मुकदमा नंबर 906 और 909 की जमानत का अदालती हुक्म दिया है, इस पर दस्तखत नहीं है, इस पर तो बहुत वक्त लग जाएगा। वकला ने कहा कि आप बेल्स की इस्तदा मंजूर करें, हम गाड़ियों में साथ लेकर जाएंगे, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। असलहा और बारूद बरामदगी केस में वज़ीर-ए-आला के पी के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद ने हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत तक वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराई गई तो एसएसपी ऑपरेशन जाती हैसियत में अदालत पेश हों। एसएसपी वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने की वजूहात बारे अदालत को आगाह करेंगे। केस की मजीद समाअत 2 नवम्बर तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर तक लगाई गई थी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के 22 पाबंदी लगाई गई थी। वज़ीर आला के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी बेहतरीन चीफ जस्टिस हैं। जजेस एक दूसरे को खतूत पर खतूत लिख रहे हैं, उनमें अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की जा रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में जो जबान इस्तेमाल की, पहली बार उन्होंने अपने मकाम को बरकरार नहीं रखा। काश मंसूर अली शाह कल खत ना लिखते। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जमानत पर डील का इल्जाम गलत है। मुखालिफ की बहन का याल रखना बेहतरीन रिवायत है। बदकिस्मती से पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ खानदान की खवातीन को अदालतों में घसीटा गया। मरियम नवाज को जेल में रखा गया। 26वीं आईनी तरमीम में कोई सुखन नहीं। आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माबैन अहम मुलाकात। मुलाकात ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमन अमान समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के माबैन मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शेरदिल जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। एससीओ की कामयाबी और मुआशी इक्तसादी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं रिजा फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ